नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। चूंकि अधूरी एवं गलत जानकारी की वजह से कोरोना का नाम मात्र सुनते ही लोगों में भय उत्पन्न हो जाता है, तो इस वीडियो के माध्यम से एम्स जोधपुर का मनोचिकित्सा विभाग आपसे इस बीमारी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, सही जानकारी एवं इलाज के दौरान अपना मनोबल कैसे सकारात्मक रखें जैसी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा कर आपका मनोवैज्ञानिक सहयोग करना चाहता है। शुरुआत में हमें यह जानना जरूरी है कि ये कोरोना और कोविड-19 क्या है। कोरोना एक वायरस है जबकि कोविड-19 इसके द्वारा होने वाली बीमारी है, जहां को का मतलब कोरोना है, वी का मतलब वायरस है, डी का मतलब डिजीज अथवा रोग, 19 का मतलब साल 2019। अब हम बात करेंगे कि कोरोना संदिग्ध और कोरोना संक्रमित, इनका क्या अर्थ है। कोरोना संदिग्ध वह व्यक्ति है जिसे सांस की बीमारी के लक्षण हो, जैसे कि बुखार, खांसी, जुखाम, सांस में तकलीफ एवं शारीरिक कमजोरी होना, एवं पिछले 14 दिनों में या तो उसने ऐसी जगह की यात्रा की हो जहां यह बीमारी फैली हुई है, या वह किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो। कोरोना संक्रमित मतलब वह व्यक्ति जिसका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव है। अक्सर हम यह सुनते हैं कि फला व्यक्ति को क्वारंटाइन कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है। यह सुनकर ही हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इस वजह से बहुत सारे लोग अपने लक्षण व जरूरी तथ्य छुपाते हैं। तो जानते हैं इसमें क्या फर्क है एवं आइसोलेशन के क्या फायदे हैं। क्वारंटाइन में कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले व्यक्ति या समूह को जिनमें अभी बीमारी के लक्षण नहीं है, उनको दूसरे लोगों से अलग रखा जाता है, जबकि आइसोलेशन में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति या समूह को दूसरे लोगों से अलग रखा जाता है। आइसोलेशन क्यों जरूरी है एवं इसके क्या फायदे हैं। आइसोलेशन के द्वारा व्यक्ति अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों एवं समुदाय में इस बीमारी को फैलने से रोक सकता है। आइसोलेशन के माध्यम से व्यक्ति अपने स्वयं का भी इलाज करवाकर एवं स्वस्थ होकर वापस अपने परिवार में लौट सकता है। इस बीमारी में आइसोलेशन एवं इलाज में सहायता करना एक सच्ची मानव सेवा है। हमें भलीभांति ज्ञात है कि आप भी कोविड-19 की वजह से चिंतित हैं, लेकिन इस बीमारी में बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे इस बीमारी का बचाव स्वयं व्यक्ति के पास है। ज्यादातर लोगों में इस बीमारी के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति उचित इलाज लेकर जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत ही कम लोगों में यह बीमारी जानलेवा है, मात्र 1-3% लोगों में। एक मरीज के तौर पर आपका क्या कर्तव्य था एवं रहेगा। आपने अपने और अपने परिवार को इस बीमारी से बचाने के लिए सरकारी आदेशानुसार यथासंभव प्रयास किए। आपने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं छुपाई, जैसे कि बाहर की यात्रा की जानकारी हो या बीमारी के शुरुआती लक्षण के बारे में जानकारी हो। कोरोना संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में आने एवं संक्रमित होने पर आपने सही समय पर जानकारी दी, खुद को आइसोलेट किया एवं इलाज व निदान के लिए अस्पताल में भर्ती हुए। आगे आपका कर्तव्य क्या रहेगा, आप अपने इलाज में पूरा सहयोग करें, सकारात्मक रहकर अपने स्वच्छ होकर घर लौटने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखें। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि अस्पताल में भर्ती के बाद यहां रहते हुए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो यह स्वीकार करना कि आप कोरोना से संक्रमित हैं। क्यों? क्योंकि स्वीकार करने से आप स्वास्थ्यकर्मी का साथ दे पाएंगे और उस वजह से आपका इलाज अच्छे से होगा। इस बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण एवं सही जानकारी सही स्रोत से प्राप्त करें, जैसे WHO, एवं अपने वाजिब प्रश्नों का उत्तर तलाशें। अगर आपको कोई भी शंका हो तो स्वास्थ्य कर्मी से इसकी जानकारी लें।
अस्पताल में रहकर आइसोलेशन क्यों आवश्यक है इसे समझें, इन सब से आपका ही फायदा है। चूंकि समस्त स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर आपका उपचार कर रहे हैं, तो आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप स्वास्थ्य कर्मी द्वारा बताए गए सभी निर्देशों की अच्छे से पालना करें, जैसे कि मास्क लगाना, हाथों को अच्छे से धोना, छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर यूज करना, अपने और अपने आसपास की सफाई रखना एवं दवाइयों को चिकित्सा कर्मी के निर्देशानुसार लेना। जैसा कि हमें ज्ञात है कि यह बीमारी कम इम्यूनिटी वाले लोगों में ज्यादा होती है एवं गंभीर होती है, तो आप सकारात्मक सोच रखकर एवं सकारात्मक व्यवहार से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा सकते हैं एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से यह बुरे समय को भी आसानी से निकलने में मदद करता है। आप अपने आप से कुछ सकारात्मक बातें कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ रहकर खुद व परिवार की सहायता कर रहा हूँ, मुझे चिकित्सा कर्मी द्वारा बताए मार्ग पर चलकर जल्द स्वस्थ होना है, मैं शारीरिक रूप से परिवार से अलग हूँ पर मन से वो मेरे साथ ही हैं, इस दौरान मुझे कुछ कष्ट जरूर होंगे पर इनसे डरना कतई नहीं है, ईश्वर मालिक मेरे और मेरे परिवार के साथ हैं, मैं जल्द ही स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ रहूंगा। चूंकि आप शारीरिक रूप से परिवार से दूर हैं एवं अस्पताल में भर्ती हैं, तो इलाज के दौरान कई बार आप भावुक हो सकते हैं एवं कई मनोभाव जैसे घबराहट, टेंशन, डर, शंका, गुस्सा एवं निराशा उत्पन्न हो सकती हैं। अपने इन मनोभावों को महसूस करो एवं इनके बारे में चिकित्सा कर्मी से, अपने परिवारजन से बात करें। मनोभावों को नियंत्रित करने एवं खुद को मजबूत करने के लिए रोजाना रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें, जैसे सांस की कसरत या कोई भी ऐसा व्यायाम करें जिससे आपके मन को शांति मिले। आप ईश्वर की साधना कर सकते हैं एवं अपने जल्द स्वस्थ होने की कामना कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन करें, पर्याप्त नींद लेवें एवं सक्रिय रहें। खुश रहने के लिए अपनी जिंदगी के अच्छे हसीन लम्हों को याद करें, गाना गुनगुनाएं, अच्छा संगीत सुने, अपनी दैनिक दिनचर्या के कामों को समय से करते रहें, अपने परिवारजन, मित्रों, रिश्तेदारों से दूर रहकर भी फोन के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा एवं इंटरनेट के अन्य माध्यम जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप से संपर्क में रह सकते। जाने अनजाने में कई बार हम ऐसी सोच, व्यवहार व कार्य करते हैं जो हमारे इलाज में बाधा डालता है एवं इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर होता है, तो हमें अस्पताल में रहते हुए क्या नहीं करना चाहिए यह भी ध्यान में होना चाहिए। खुद को कभी यह आश्वासन नहीं दें कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं, बल्कि अपनी बीमारी को स्वीकार करना ही बहादुरी है। स्वास्थ्य कर्मी का सहयोग ना करना एवं नियमों की पालना नहीं करना ऐसा कतई नहीं करना, क्योंकि इससे हमारा स्वयं का है। परेशानी की इस घड़ी में कुछ लोगों के दिमाग में नकारात्मक सोच एवं विचार आते हैं, जैसे ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है, मैं इसे कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मुझसे ये बीमारी सबको हो जाएगी, मुझसे कोई नहीं मिलने आएगा, सब मुझसे दूर हो जाएंगे, सब मुझसे नफरत करेंगे, अकेले में यहाँ इतने दिन मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मैं अब घर वालों से कभी नहीं मिल पाऊंगा, मैं जल्द मर जाऊंगा, जबकि तथ्य इसके खिलाफ हैं। सिर्फ 1-3% लोगों में ही यह बीमारी जानलेवा है, पर्याप्त इलाज के द्वारा इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। अगर आप बचाव रखते हैं तो आप स्वयं को और अपने परिवारजन को सुरक्षित रख पाएंगे, शारीरिक रूप से आप दूर रहकर भी मन से आप सबके साथ हैं। यह बीमारी है, कोई क्राइम नहीं है, सभी लोग आपसे उतना ही प्यार करते हैं एवं आपके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आप यहाँ अकेले नहीं हैं, अस्पताल के बाकी मरीजों के अलावा स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सा कर्मी, संपूर्ण स्टाफ आपके साथ हैं और आपका परिवारजन, आपके मित्र फोन पर आपके साथ हैं। आप अगर सकारात्मक रहकर इलाज में सहायता करेंगे तो बहुत ही जल्द स्वस्थ होकर अपने घर आएंगे।
इसलिए हर समय दुखी, निराश, घबराए हुए, परेशान रहना, रोते हुए रहने, इनसे बचें। हर समय बिस्तर पर निष्क्रिय ना पड़े रहें। हर समय कोरोना से संबंधित समाचार एवं बुरी खबरें सुनने से बचें। आप इस दौरान अच्छी किताबें, नॉवेल, प्रेरणादायक कहानियां पढ़ सकते हैं। अंततः निष्कर्ष यह है कि यह समय सभी के लिए मुश्किल है, पर कठिन से कठिन समय भी निकल जाता है। हम सभी को एक योद्धा की तरह इस बीमारी का सामना मजबूती, धैर्य एवं साहस के साथ करना है। इस समय सभी लोग हमारे साथ हैं और निस्संदेह हम इस बीमारी से जीतेंगे। दिलेरी डर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि यह फैसला है कि डर से भी जरूरी कुछ है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य जरूर बदल देगी। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। ये राहें ले ही जाएगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा ना होने दिया। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द। अंततः हम एक मनोवैज्ञानिक प्रार्थना आप सबके साथ करना चाहेंगे। हे ईश्वर, हे मालिक, मुझे शांति दीजिए उन बातों को स्वीकार करने के लिए जिन्हें मैं नहीं बदल सकता। मुझे हिम्मत और शक्ति दीजिए उन बातों को बदलने का जो मेरे हाथ में है, एवं मुझे ज्ञान और सद्बुद्धि दीजिए इन दोनों में अंतर करने के लिए। धन्यवाद।